सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग का? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, आज का टॉपिक है वो ये है कि आप सबको पता होगा रिसेंटली, मतलब एक कुछ ही दिनों पहले, जो हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई पाकिस्तान बहुत सारे टेररिस्ट जो ग्रुप है उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें फंडिंग करता है, और जब तक पाकिस्तान मतलब जो दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्हें सपोर्ट करता रहेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान ने तो लगनी थी मिर्ची, तो भाई उन्हें लग गई अच्छे से मिर्ची। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है सना अमजद, वो जाकर पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रही है कि क्या सच में अभी तक मतलब पाकिस्तान में दहशतगर्द मौजूद है, और क्या सच में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और क्या सच में पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप हैं अभी तक। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जनता क्या कहती है आए देखते हैं, और उसके बाद हम अपना देंगे रिव्यू और उन्हें अच्छे से रोस्ट भी करेंगे। चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और रिकमेंड कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे और न्यू वीडियो लाने के लिए और आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। खारजा एस जे शंकर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर, उनके इस बयान पर? जी, सबसे पहले तो मेरा ये अपना मानना है ना कि सबसे पहले आप किसी को कहने से पहले आपको अपने गरीबों में झांकना चाहिए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, सो मैं बेस्ट जानता हूँ कि उधर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि एज अगर ये एक टेररिस्ट स्टेट है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म पिछले साल की नस्बत इन सालों में बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई है, और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स है, मुख्तलिफ OIC का इजलास इधर हुआ है, तो दे अजलास जो वैसे ही इधर नहीं हो जाते, वो सिक्योरिटी इशू को क्लियर करके इधर होते हैं, फिर क्रिकेट की बहाली हुई है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये कह रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये खुद भी देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंडियाज़ की रियासत में क्या हो रहा है। आपने एक शायद वीडियो देखी हो जहाँ पे एक लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा गया था उनके स्कूलों में, जहाँ वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हुई इस क्लास की तरफ चली गई थी। तो आपको सबसे पहले कि अपने गिरबान में जाकर उसको साफ करना चाहिए कि वो हम अपने साथ अपने जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। भाई तो थोड़ा सा बहन का घोड़ा है किसी जगह पर, किसी प्लेस पर कोई रूल वगैरह होता है या फिर तुम हर जगह अपनी मनमानी करोगे? बात सही है, वो स्कूल है मदरसा नहीं, जो मतलब हिजाब पहन के चली आई। सही बात है। अब भाई तू मुझे एक बात बता, क्या मस्जिद में कोई चड्डी पहन के जा सकता है क्या? नहीं ना। तो भाई हर जगह एक रूल होता है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम कहीं का तोप नहीं हो जो तुम्हें अलग से फैसिलिटी दिया जाए। और भाई रही बात कश्मीर की, तो भाई कश्मीर यह हमारा मामला है, आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया का पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और वो खुश है कि नहीं। तो भाई बकबक ज्यादा मत करो, जाके थोड़ा भीख मांगो। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन उसको स्कूल की जानिब से जो है वो प्रोटेक्ट भी किया गया ना? उसको स्कूल की जानिब से प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन सिर्फ वही उनको सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले टीज तो किया गया ना उनके अंदर। ये पहली बात है कि माइनॉरिटीज़ का हक तो होना चाहिए कि पहली बात उनको टीज़ करना ही नहीं चाहिए। अब जब उनको उन्होंने टीज़ किया तो जब पूरी जाहिर सी बात है पूरी वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर आता है उन पर, तो फिर उसको बर्दाश्त करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए उनको मजबूरी के तहत भी हम कह सकते हैं कि कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को आप कह रहे हैं तो आपके पास तो वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि व्हाई यू आर सेइंग पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, क्योंकि इधर मुख्तलिफ कंट्रीज़। अच्छा, ये टेररिज्म का लेबल तो हमारे माथे के ऊपर लग चुका हुआ है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। मुझे बताएं कि ये लेबल अब हमने हटाना कैसे, हम कब तक एक दहशतगर्द मुल्क कहलाते रहेंगे? ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से जो अमेरिका में वो हुआ था। क्या भाई सिर्फ 9/11? जो इंडिया में जो मुंबई अटैक हुआ था, ताज होटल जो अटैक हुआ था, रेलवे स्टेशन पे जो अटैक हुआ था, कश्मीर में जो तुम्हारी पाक गवर्नमेंट छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप भेजते रहते, उसके बारे में कौन बताएगा भाई? सिर्फ एक ही बात को बोल के तुम इंडिया को नहीं काट सकते भाई। अलकायदा तो जो था वो सिर्फ पाकिस्तान में था, पाकिस्तान उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था जो अमेरिका पर उसने अटैक किया था, लेकिन भाई तुम्हारा जो पाक गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट को भेजता रहता है हरदम इंडिया की तरफ। तो भाई ज़्यादा बातों को छुपाओ मत, ठीक है?
सही बात है। उसकी वजह से हमें टेररिस्ट कंट्री करार दिया, उसके बावजूद अभी आप देखेंगे ना हमारी यानी कि मुख्तलिफ फॉरम्स पे जाके हमारी मिनिस्ट्रीज ने उन जाके प्रूव किया है कि असल में हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारी आप देखें जो यूएन की मुख्तलिफ जो अफ्रीकन नेशंस में जाके हमारी आर्मी जाती है जहाँ पे वो जाके उनके लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या मुख्तलिफ और अफगानिस्तान की जो रिलेशन थे अमेरिका के साथ उसको सेटल करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, तो यू कांट से दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। एक वक्त था कि जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को एक ही जो है टर्म्स पर इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इंडिया की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि पाकिस्तान की आवाम खुद इंडिया की डेवलपमेंट पर इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर है। सबसे पहले आप देखें ना कि उनको क्यों कह रहे हैं, हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूथ पावर मौजूद है, मोर देन 60 पावर हमारे पास मौजूद है, हम उनको यूज़ किस तरह कर रहे हैं। आप ये ग्राउंड इधर से आपको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ग्राउंड की ये रकबा कितना सा है और इसमें कितने लोग खेले, उनके पास पूरी आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ उनके पास प्रोवाइड नहीं है। अगर मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो मैं उधर से चल के लाहौर पढ़ाई के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये है कि उधर कोई उस तरह का इदारा नहीं है जहाँ पर मैं तालीम हासिल कर सकूँ। तो आप अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लगाई हैं, बिजनेस फील्ड में आगे गए, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को भरपूर इस्तेमाल किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने आज तक डैम नहीं बनाए, जिनकी वजह से ये होता है कि जब हमारी सैलाब आता है फ्लड्स की कंडीशन आती हैं तो हम कहते थे कि इंडिया ने ऊपर से और पानी हमें छोड़ दिया। अगर आपके पास डैम्स मौजूद हों तो आप वो पानी भी तो स्टोर कर सकते हैं। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट में इंडिया ग्रोथ में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है? इसमें कोई शक नहीं है, आप उनकी देखें उनकी आईटी का सेक्टर उनका पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, हम अभी तक बैठे हुए क्या कर रहे हैं, हम सिंपल डिप्लोमे की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का हमने सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बनाए हुए, नास्क सबसे अच्छी है, जीआई की सबसे अच्छी है, वाई नॉट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को हम क्यों नहीं फेवर देते हैं? हमने फॉर एग्जाम्पल बनाया हुआ कोई ला कॉलेज या इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, हम कहते हैं कि इसका लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाई नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे जाती जा रही हैं, बाकी आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाकी कोई भी आपका सेक्टर है वो तबाह होता जा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया की बुक्स पढ़ते हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान आकर पढ़ने की बजाय इंडिया जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेन रीज़न तो यही है ना, आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोग कैनेडा जाते हैं, आप मुख्तलिफ उसकी एग्जाम्पल आप मैं नॉमिनेट तो नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल हमें इलाज मुआलजे के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, इंडिया भी जाते हैं हम हाँ जिस दिन मर्जी जाते हैं, तो बस इलाज हम खुद एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने लिए जहाँ पे हम खुद अपना चेकअप करवा सके, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये कंट्री हमसे इस तरह आगे निकल जाएगी। हमने बस एक ही रट निकाली है कि जो गैर मजहब हैं तो वो आगे नहीं जाए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के उस पर बना हुआ है, लेकिन उसकी करतूतें भी आपके अंदर होनी चाहिए, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करता है। देखें ना आपके यानी कि जब कहते थे कि वो ज़माने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर हम हार हुए तार के कुरान होकर, किस मस्जिद में यानी कि इधर आप देखें तो सुबह फजर के वक्त कोई आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग आपको मिलते हैं, रमज़ान में धड़ाधड़ आ जाते हैं, यानी कि एक महीने के लिए हम यानी कि सिर्फ मुसलमान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी खुद में कह रहा हूँ, यानी कि मैं सबको नेगोशिएट नहीं करिए, मैं खुद भी अपने उसमें बंधु में आता हूँ। इंडिया के वजीर खारजा जय शंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, क्या कहेंगे आप? जी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई, और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए ज़रब अज़ब हुए उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है, वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है, लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है, ये कि कुछ ना कुछ तो वाकयात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है, हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं, आप देखें कश्मीर में वो कितना कश्मीर पर कितना जुल्म करते हैं, तो असल तो दहशतगर्दी ये है जो कि अक़वामे मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, तो उस पर कोई खास नोटिस नहीं लिया जा सकता। भाई एक है कश्मीर का टॉपिक और एक है अभिनंदन वाला टॉपिक, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है क्या? और भाई कितने बार प्रूफ दे चुके कि भाई कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तुझे अगर विश्वास नहीं होता तो आ जाना एक बार, क्यों जाहिलों वाली बात करके मेरा मुंह खुलवा रहा है भाई, इसके बाद अगर तूने कुछ बोला ना तो भाई ऐसी ऐसी बात बोलूंगा पाकिस्तान से तेरे कान से खून निकलने लगेगा, सब बता रहा हूँ। इसमें यह है कि सिर्फ इंडिया अपनी जबान ही बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है, हो सकता है कि यूएस जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इस वजह से कहते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है सपोर्ट वो भी इंडिया को ही है,
तो पाकिस्तान की फेवर में इस वक्त अमेरिका अभी फिर भी ठीक है, चूँकि उन्होंने अपने चहीते सियासत जान और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो उनको लाए हैं इक्तदार में। तो लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के टेन्योर में अमेरिका के साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म खान जो है वो अपने मुल्क के बारे में फ़ैसला लेते थे। अब चूँकि ये अमेरिका की अक़वामे मुत्तहिदा की बातों में आते हैं तो इस वजह से अक़वामे मुत्तहिदा की सपोर्ट इंडिया को हासिल है और वो ये अल्फाज कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है, पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पर दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफगानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि इंडिया जो उनसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, तो इंडिया अफगानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पर दहशतगर्दी होती है और वहाँ पर दहशतगर्द पलते हैं, तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा, अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और यहाँ पे फंडिंग हो रही है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी भी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मुल्क हैंड टू माउथ चल रहा है, तो इस वजह से ये भी फैक्टर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लॉजिक ही नहीं बनते कि किसी दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है कि आप जाके इंडिया में धमाके करें, तो इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती हमारी नज़र में। बिल्कुल सही कहा आप। भाई तुम्हें पता नहीं है, अब तुम तो गवर्नमेंट में हो नहीं, जो तुम्हें इस बारे में पता चलेगा, तुम्हारे मुल्क की इकोनॉमी कितनी भी ज्यादा गिर जाए लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट भीख मांग कर भी टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा इंडिया के खिलाफ। सही बात है। क्योंकि तुम्हें कश्मीर चाहिए, तुम्हारी आर्मी की तो औकात है नहीं, इसलिए टेररिस्ट फैलाते हो। बात तो सही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात गुजर रहे हैं, हमें ही हमारे हुक्मरान संभाल ले, हमारी ही आवाम की जरूरत पूरी कर दे तो बड़ी बात है, हमने किसी को क्या सपोर्ट करना है, क्या स्पॉन्सर करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वक्त था कि पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते हर एक के नज़रियात बदल गए कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारा जो है वो पीछे रह गए। इवन कि पाकिस्तान की जो आवाम है अब खुद इंडिया की तरक्की पर, इंडिया की कामयाबी पर इंडिया को सराहती है, इंडिया की तारीफ़ करती है। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, अपने धरनों में, अपनी स्पीचेस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की, इंडिया की डेवलपमेंट की तारीफ़ की, क्या कहेंगे आप? देखें, तारीफ़ करना बनता भी है, हम भी इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सराहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो हमेशा उन्होंने अपनी आवाम के बारे में जो है वो डिसीजन लिए हैं, उनके हक़ में डिसीजन लिए हैं, कभी उन्होंने इक़्तदार की खातिर या जो है वो खुद की सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने इस तरह के फैसले नहीं लिए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। आपने देखा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरे जोन से लीडर थे, उनके खिलाफ़ कुछ केसेस वगैरह थे, तो उन्होंने उसको जो है वो डील करने के लिए उन्होंने अदम एतमाद लाया और फिर इमरान खान को हटा दिया। तो इसमें सियासत में फिर क्राइसिस तो आते हैं और इसका इफ़ेक्ट होता है, फिर से आपकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट होता है और इस तरह के फिर हालात पैदा होंगे। यही रीज़न है, अगर इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता तो शायद जैसे लोग दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल देखती थी तो इस तरह आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू होना था, लेकिन फिलहाल नहीं हो सका, चूँकि ये इसकी मेन रीज़न हमारी पॉलिटिशियन में क्राइसिस है। नो डाउट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस वक्त इंडिया के रिज़र्व देखे 550 बिलियन डॉलर के उनके रिज़र्व हैं, मतलब इतनी बड़ी वो इकॉनमी बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इंडिया की मौशियत को देखते हुए और आगे इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो वहाँ के एक तो ये भी फैक्टर है कि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो बड़ी मंडी है, वहाँ पे दूसरे मुल्क जो उनसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में जो उनसे क्राइसिस चल रहे हैं, और एक टाइम था पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्ज़ा दिया था, तब तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये जर्नैलों की हुकूमतें आई हैं और जो सा अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है मुल्क में, उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी पीछे धकेला गया है। अब भी अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उससे पाकिस्तान 20-25 साल पीछे है, तो होपफुली एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट जो आएगी उसको अपना टाइम पूरा करने दिया जाएगा,
कोई भी जो वज़ीर आज़म आते हैं उसको भी टाइम पूरा करने दिया जाएगा, जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और मुल्क पाकिस्तान जो है इंडिया के बराबर तो नहीं जा सकता क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, अपने बराबर के जो उनसे दूसरे मुल्क है जिस तरह बांग्लादेश है एटलीस्ट उनके बराबर खड़ा हो सकेगा। सर, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जय शंकर ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक हमारी बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है, तो इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने भी ये बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो हम भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और अब उनके जो है वज़ीर ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गेम्स होती हैं ये कौमों को करीब लेके आती हैं, तो गेम्स का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता और दहशतगर्दी करवाने वाला भी इंडिया ही है, तो इंडिया ने इसको ख़त्म करना है, तो वो जब चाहेगा इसको ख़त्म करके तो वो खेलना शुरू कर दे, तो वैसे भी वो हमसे हारने से डरते हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स क्या बोल रहे हो भाई, हम मतलब हारने से आपसे डरते हैं, अभी T20 में आपको हराया था भूल गए क्या? क्या बात करते हैं। चाहिए तो इसमें तो कौम और जो मामला था वो करीब आएंगे और उसमें जो है ना वो दोस्ती बढ़ेगी, तो अगर इस तरह करने से तो वो और क्लैशेस बढ़ेंगे और आवाम जो होगी वो ज्यादा जो है वो इंडिया के खिलाफ हो जाएगी, तो ये उनकी ये बातें बताती हैं कि वो कौमों को करीब नहीं आने देना चाहते, और वैसे भी मोदी की पॉलिसी है कि मुसलमानों के खिलाफ ही है, और मोदी जब कोई इलेक्शन करीब आता है तो वो इस्लाम के खिलाफ और मुस्लिम के खिलाफ वो अपना आइडियाज़ देने लग पड़ते हैं और नफरत अंगेजी करते हैं, तो उससे वो झगड़े बन जाते हैं, तो ये सिर्फ उनका ये प्लानिंग है कि वोट बैंक बढ़े उनका, तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई आपने बिल्कुल गलत कहा, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मुस्लिम कहकर सबको घसीटो मत, तुम पाकिस्तानी को चालबाजी हम सबको अच्छी तरीके से पता है, तुम टेररिस्ट कंट्री हो इसलिए तुम्हें कहा जाता है, जैसे ही भाई हवा में नहीं कहा जाता। सही बात है। इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है। जी जी। और तो इंडिया को भी फिर पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा होगा ना। अच्छा। अगर वो कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे ही हमसे डरते हैं, इस्लाम के नाम से डरते हैं, और इस्लाम क्योंकि एक बहादुरी का नाम है, एक अमन का नाम है और एक सच्चाई का नाम है, तो सच्चाई जो होती है वो उनको दहशतगर्दी लगती है, तो लगती रहे तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, इंडिया के वजीर खारजा जय शंकर ने ये भी कहा है कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल लेवल पर जो है समझती थी, इक्वल लेवल पर जो है उन्हें देखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? ये उनकी सोच है, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और करता ही रहेगा और आगे ही रहेगा सबसे, बाकी ये है कि इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, वो इसको पीछे ही देखना चाहते हैं, तो जब तक अल्लाह नहीं जाएगा पीछे नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि इंडिया ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल गया? नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया, ये ऐसे अफवाहें हैं, ये अफवाहें आवाम को मयूस करने वाली बातें हैं, आगे कहाँ निकल गए, हम तो तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रहा। सर, इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया यूके को पीछे छोड़कर। भाई वो उसमें वो बस एक आप समझे उनकी पॉपुलेशन लेवल ज्यादा है, मामला ज्यादा है, कोई इतना मसला नहीं है, ये वैसे भी हमारे मुल्क को ना आवाम को डिसअपॉइंट और मायूस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मुल्क तरक्की ही कर रहा है। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल तरक्की कर रहे हो, वो भी भीख मांग मांग के। और हाँ भाई, किसने कहा इंडिया आपसे आगे, कहाँ हमारा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $500 बिलियन है और आपका 6 से लेकर 7.5 बिलियन डॉलर, और कहाँ हमारा जो GDP है वो मात्र $3.4 trillion की और आपकी $376 बिलियन। आपसे बिल्कुल हम पीछे हैं, हम आपसे आगे नहीं है। सर, कैसे तरक्की कर रहा है पाकिस्तान में जो है 4G सही से नहीं आता, इंडिया ने जो है 5G लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के अंदर देखे ना आप, कुछ मामले हैं, दुश्मन ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, दुश्मनी ज्यादा है लोगों की, वो सारा जो गैर जो मगरबी कौमें हैं या इस्लाम दुश्मन अनासर हैं वो सारे इसके खिलाफ हैं। अच्छा। तो वो सारी स्ट्रगल जो है ना इनको दबाने पे लगी हुई है, तो
तो कोई नहीं, अभी दुश्मनों का ज्यादा सामना है अभी। क्या वजह है ये सारे मुल्क, आपने कहा है कि तमाम मगरबी ममालिक जो है पाकिस्तान को दुबाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो पाकिस्तान को क्यों दुबाना चाहेंगे? वो इस्लाम दुश्मनी है सबसे पहले, तो पहले बात तो ये है कि इस्लाम दुश्मनी है, और इस्लाम जो पाकिस्तान है वो गार्ड है मुस्लिम कौम का, तो हम वो वाहद मुस्लिम मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे है, तो हमने हमेशा। सर बहुत सारे और भी ममालिक ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम है, सऊदी अरेबिया आप देख लें, इसके अलावा तुर्की देख लें, और इसके साथ साथ आप दुबई देख लें, इन तमाम कंट्रीज़ ने बहुत तरक्की की है, ये तमाम कंट्रीज़ बहुत आगे निकल गई हैं। तो अगर आप मुसलमानों की या इस्लाम की बात करते हैं, तो मुस्लिम ममालिक ये भी हैं, मुसलमान तो यहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की की है। लेकिन कुछ अवाम ऐसी हैं, कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो स्ट्रगल ज़्यादा कर रही होती हैं, जिससे आप कह लें कि जिसमें हमारी जो कौम है, एक अगर ओवरऑल देखें इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें, हम देखते हैं पैसे के नुक्ता नज़र से, अगर इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो हमारा मुल्क सबसे आगे। अच्छा चाचा जी भाई, वैसे तो मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन भाई जिस देश में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, दो नंबर में अगर आवर्स हो तो भाई उसी देश को मिलेगा। लड़कियाँ डर के बाहर नहीं आती कि भाई उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रही है सेफ्टी के लिए, वो एकदम पूरा पक्का इस्लामिस्ट कंट्री है। वाह रे पाकिस्तान वाह, साला क्या बताऊँ मैं तुझे भाई, इधर इस्लाम को छोड़ देने के बाद कुछ भी अच्छा चीज़ आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, एकदम मतलब घटिया कंट्री है। और भाई मैं क्या है बताऊँ और पाकिस्तान के बारे में, हर वक्त तो आके मतलब मैं इनके बजाते रहता हूँ। तो भाई जाट सेट गाइस ये था आज का वीडियो, ज़्यादा बजाऊंगा तो भाई पाकिस्तानी रोने लगेंगे, तो प्लीज़ यार गाइस ये था आज का वीडियो, कमेंट करके बताइए भाई वीडियो आपको कैसी लगी, अगर भाई आपको मेरे वीडियो ज़रा सी पसंद है तो प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए भाई, मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।